नमस्कार दोस्तों, दिस इज जोहान, आई होप यू विल वेल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट किया और यूट्यूब पे भी आपने कमेंट किया कि सर हमें बेस्ट इंडिकेटर्स जो है वो पेड वाले बताइए। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में 4 इंडिकेटर ऐसे बताना चाहता हूं जिसकी मदद से आप 90-95% एक्यूरेसी के साथ जो है ऑप्शन में ट्रेड कर पाएंगे और डेली बेसिस कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कर ले जा सकते। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानकारीपूर्ण होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसे स्पोर्ट्स में डाल डाल कर बेच रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। डेली हमारे साथ लाइव में ट्रेड करके पैसा बनाने के लिए और मेरे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट में हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको एंजल वन में 2 इंडिकेटर्स का उपयोग करना है और 2 इंडिकेटर्स का उपयोग आपको करना है वहाँ अपने ट्रेडिंग व्यू में जा करके। तो दोनों के सेटअप्स और कौन कौन से इंडिकेटर्स कहाँ से किस तरह से आपको सिग्नल को वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है सिखाता हूँ। तो चलिए मैं दोस्तों हम यहाँ पे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने एंजल वन का उपयोग किया हुआ है और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे हूँ और ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। आज मैं यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स एंजल वन में रखा उपयोग करना सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर लेवल्स पे हैं या फिर एक प्रो ट्रेडर हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है 3 इंडिकेटर्स का उपयोग कर रखा है जिसमें 2 EM है और 1 MACD वॉल्यूम है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है जो कि यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पे जो इंडिकेटर्स का ऑप्शन है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे ये देखिए इंडिकेटर्स, यहाँ पे सर्च करना है आपको EMA इस तरह से और यहाँ पे EMA सर्च करेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो ये इंडिकेटर है इसी को आपको चूज़ करना है। इसको 2 बार चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर 2 बार टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ये 2 मूविंग एवरेज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले एक के अंदर जाना है, यहाँ पे वापस में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर जा करके यहाँ पे सबसे पहले लेंथ जो है वो आपको 200 कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे स्मूथिंग लेंथ जो है उसे ऐसे ही रहने देना है। स्टाइल जो है उसमें आपको इसे रेड कर देना है। ठीक है, और विजिबिलिटी जो है वो सारे के सारे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको वापस इनपुट में आकर के इसको ओके कर देना है जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो सीधा सा यहाँ पे आपको इसको 200 कर देना है और दूसरा में आकर के EMA जो है उसको यहाँ पे आपको 90 कर देना है। उसके बाद से सारी चीज़ें इसको आप पहचान के लिए ग्रीन कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी कलर रख लीजिए। मैं ग्रीन और रेड का उपयोग करता हूँ। ठीक है, उसके बाद से कुछ सेटिंग नहीं छेड़नी, उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद आपको इंडिकेटर्स में वापस से आना है यहाँ पे और आपको लिखना है वॉल्यूम लिखना है यहाँ पे या फिर सीधे से MACD भी आप रख सकते हैं जो कि यहाँ पे आ गया, इसे भी आप रख सकते हैं। इसे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे देखिए MACD आ जाएगा। ठीक है, उसके किसी भी सेटिंग्स को आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दोनों चीज़ें आ जाने के बाद मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी है मुझे। ओके, आप देखिए जैसे ही ये ग्रीन कलर हमने जो 90 डेज़ का जो है 90 दिन का जो हमने बनाया हुआ है EMA और 200 दिन का, जैसे एक दूसरे को क्रॉस कर देना कि ग्रीन लाइन जैसे रेड लाइन को ऊपर की ओर काटती है तो आपको जो है कॉल की साइड में अपना ट्रेड जो एग्जीक्यूट करना है, आपको समझ जाना है कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला, ट्रेंड मार्केट का बदल चुका है। इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है MACD से। देखिए यहाँ से MACD भी अगर इसको ऊपर की ओर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की ओर काटा, मार्केट का मूवमेंट यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम की चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से आप अगर एंट्री लेंगे, जैसे ये इसको ऊपर की ओर ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर की ओर काटती है तो आपको जो है यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव मार्केट में आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अगले दिन गैप अप भी ओपन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट का मूव ऊपर की ओर। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे मार्केट यहाँ पे EMA के नज़दीक आएगा, उसको छुएगा, तो आप वहाँ से वापस से कॉल की तरफ एंट्री ले सकते हैं। तो आपको एक अच्छा खासा मूव हर बार देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी मार्केट नीचे है, ऊपर की ओर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया और ऊपर की ओर निकल गया। जब भी इस ग्रीन लाइन को मार्केट छुएगा तो मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ की जब इसके अंदर आ जाता है, बीच में मार्केट आ जाता है, इसके नीचे बीच में मार्केट आ जाता है, तो फिर आपको ये समझना है कि मार्केट की मूवमेंट अब चेंज होने वाली है। आप इसको MACD से भी जो है क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और मार्केट फिर जो इसके बीच में आ जाएगा तो मार्केट यहाँ पर रेड लाइन को छूने जरूर आएगा और उसके बाद हो सकता है मार्केट अपना मूवमेंट बदल ले और नीचे की साइड भी चला जाए। अब इसको देखने के लिए भी और 2 इंडिकेटर है जो मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू में ले जाऊँगा और सिखाऊंगा, लेकिन ये 2 इंडिकेटर के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो 90-95% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे और एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये 2 इंडिकेटर आपको कैसे लगे, अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बना करके भी आपको चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में और सीखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में और 2 इंडिकेटर की मदद से किस तरह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट जो है मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, जिसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपका उसको सीखने में जो है आसानी हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो इंडिकेटर का मैंने उपयोग किया हुआ है। आपको शायद देखने में थोड़ा जो है स्क्रीन पूरी भरी हुई है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग विथ ब्रेक्स, ठीक है, ये ट्रेडिंग विथ ब्रेक्स एल्गो का इंडिकेटर, इससे पहले भी मैंने इसका रिव्यू करा रखा है, तो आप इसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। फिर ऑप्शन स्कैल्पिंग जो है V2, इसका भी आपको जो है उपयोग करना है। स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए मेरे सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो यहाँ पे खुला हुआ है, और मैं इसे सबसे पहले हटा देता हूँ ताकि आपको, ये मेरा कल का एनालिसिस किया हुआ है तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया था चार्ट में, क्योंकि मैं कोई ना कोई नई नई स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे करता रहता हूँ। अभी सबसे पहले जो V2 है हमारा, स्कैल्पिंग V2 ऑप्शन ट्रेडिंग, तो उसमें सारे बैंक्स जो हैं बैंक निफ्टी में, सारे बैंक आप किसी ट्रेड में, ऑप्शन में, या फिर किसी भी अगर स्टॉक में करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो ये बैंक निफ्टी में मैंने लगाया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स जो हैं ये आपको PC पे ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटी पड़ रही है मोबाइल में। तो ये जो है, मैं इसे थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ। ओके, चलिए हो गया। ये जो सारे बैंक्स जो है वो क्या सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, बाई सिग्नल दे रहे हैं, प्रॉफिट हैं, लॉस है, कितने परसेंट क्या चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं उसके हिसाब से बैंक निफ्टी चलता है। ज़्यादातर बैंक्स अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट करेगा। ज़्यादातर बैंक अगर, खासकर HDFC बैंक और जो बड़े बैंक्स हैं, वो नेगेटिव मूवमेंट करते हैं तो मार्केट जो है वो नेगेटिव मूवमेंट फिर करता है। तो इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि ज़्यादातर बैंक्स जो है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं एक ही साथ, एक ही इंडिकेटर में। स्कैल्पर नहीं बनाया हुआ इंडिकेटर है, जो स्कैल्पिंग करते हैं, छोटा सा ट्रेड लेकर के फिर आपको निकलना होता है, स्पेशली स्कैल्पर के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए आप, यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको मैं समझाना चाहता हूँ। इस इंडिकेटर के साथ साथ कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जिसमें कि ये जो रेड लाइन आप बीच में देख रहे हैं, ठीक है, जब भी इस रेड लाइन के पास मार्केट आएगा, ठीक है, अगर इसको क्रॉस ओवर करके अगर अगली कैंडल बनाता है तो फिर आपको जो है नीचे की ओर का ट्रेड लेना चाहिए, या फिर आप वेट करेंगे जब वापस से इस रेड लाइन के पास मार्केट आएगा तो फिर आप जो है वापस से पुट की तरफ अपना कॉल लेंगे। लेकिन अगर इसको क्रॉस नहीं करता है तो ऊपर की ओर मार्केट है, तो वापस से जब मार्केट इस रेड लाइन के पास आएगा तो आप जो है खरीदेंगे। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने इस रेड लाइन को काटा, ऊपर की ओर निकल गया और ऊपर से कैंडल बनाई, वापस से जब इसके नीचे आए तो हमने यहाँ से ट्रेड लिया होता तो वापस से हमें एक मूवमेंट मिल सकती थी। आप यहाँ पे, छोटा चार्ट है तो इसमें देखने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये PC में परफेक्टली वर्क आपको करके करता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि इसके ऊपर काटा, रेड लाइन के ऊपर काटा, एक कैंडल और बनाई और मार्केट ऊपर की ओर निकल गया, ठीक है। तो आप इस तरह से देखेंगे, वापस से मार्केट यहाँ नीचे की ओर, वापस से यहाँ रेड कैंडल की ओर आया तो वापस से आप खरीदेंगे, मार्केट देखिए ऊपर गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसको क्रॉस ओवर करने के लिए मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ, जिसका नाम है, इसका मैंने पहले भी रिव्यू करा, ट्रेड लाइन विथ ब्रेक्स, ठीक है। तो ये बाय और सेल का सिग्नल यहाँ पे आपको साथ में देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है मार्केट और साथ में यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं मार्केट फिर कितना ऊपर गया है, यहाँ तक ऊपर जा चुका है मार्केट, ठीक है। तो इन दोनों को आप क्रॉस करके चलेंगे तो ये एक अच्छा खासा आपको जो है मार्केट में पैसा बना करके देगा, ऑप्शन में पैसा बना करके देगा, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90-95% होता है। अब ये चार इंडिकेटर्स जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताएं, चारों इंडिकेटर्स को आप एक साथ स्क्रीन में लगा सकते हैं। दो को आप लगा लीजिए अपने Angel 1 के चार्ट में, दो को आप लगा लीजिए अपने जो है ट्रेडिंग या ट्रेडिंग व्यू है उसके चार्ट में, बैंक निफ्टी के। तो चारों को आप क्रॉस ओवर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है, और परफेक्टली आप 90-95% के साथ ये ट्रेड ले सकते हैं। मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो इन चारों इंडिकेटर का रिव्यू एक बार ज़रूर करता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आप इसके थोड़ा पीछे मूवमेंट को भी जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेगा। जब भी इसने सिग्नल दिए हैं, देखिए यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला है तो मार्केट कितना ऊपर गया है। जब भी यहाँ पे आपको इसका सेल का सिग्नल मिलेगा, नीचे की तरफ बाई का सिग्नल मिले, देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, नीचे की ओर बाई का सिग्नल दिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में सबको आपको देखना है तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में भी, फिर मल्टी टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट रजिस्टर मार्क करके फिर कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट रजिस्टर मार्क करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो करके दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके कैसे आपको इंडिकेटर का उपयोग करना चाहिए और आपको फिर वहां से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इस चैनल पे हम अभी सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको 10 दिन ट्रेड करके दिखाएंगे लाइव मार्केट में। अगर आप चैनल पर नहीं तो जुड़ जाइएगा, कि डेली लाइव मार्केट में हम ट्रेड भी करके आपको प्रॉफिट भी करवाएंगे।
और अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पिछले वीडियो हमने बना रखे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि YouTube पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिहाफ पे सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। हम पूरा मार्केट का एक अलग से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद से चीज़ें आपको बोलते हैं। हमारा जो कॉल्स होता है वो 90-95% एक्यूरेसी का था वर्क करता है। तो आप हमारे अगर पेड कॉल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये सारी चारों इंडिकेटर जो वो बेस्ट लगे होंगे और इनका काम करने का तरीका भी आप जब इसे लाइव मार्केट में यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसे पेपर ट्रेड कर लीजिएगा, और पेपर ट्रेड के लिए आपको सबसे बेस्ट एप्लीकेशन अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए पेपर ट्रेड किस तरह से करना है, उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा। आई होप गाइस वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सीख चुके होंगे कि कैसे इस चार इंडिकेटर्स का उपयोग करकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 90-95% एक्यूरेसी के साथ जो ट्रेड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। अगर इससे भी बेस्ट इंडिकेटर अगर आप चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अलग चीज़ें मैं ऐड करके आपको दूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे इसमें एक पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें स्टेप बाई स्टेप आपको एक बिगिनर से लेकर के प्रो लेवल तक कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले, कैपिटल को कैसे हेज किया जाता है, कैपिटल को कैसे सेफली लेके चले, बहुत सारी चीज़ें जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में ध्यान रखनी होती हैं ऑलरेडी, तो मैं उसके बारे में भी स्टेप बाई स्टेप वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ सकती तो मुझे आप जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ चीज़ें YouTube से पहले पोस्ट करता रहता हूँ। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो वहाँ मैसेज करना कर दीजिए, मैं वहाँ पर भी रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, चलिए।